इन स्टाइलिंग सीखेंगे इसके अंदर। फाइल को सेव करेंगे और टॉपिक रहेगा सीएसएस स्टाइल इमेजेस। जैसे कि अगर हमें इमेज को राउंड करना हो, राउंडेड इमेजेस, राउंडेड इमेजेस यूज द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी क्रिएट राउंडेड इमेजेस। तो यहां पर इसके एग्जांपल बना लेंगे और इस कोड को करिएगा रिमूव और यहां लिखिएगा आईएमजी टैग सेलेक्टर बॉर्डर रेडियस, जैसे कि हम यहां लिख देते हैं 8 पिक्सल। ये हो जाएगा हमारा राउंडेड इमेज और कीजिए इसको और इसको जाके एक नेम यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए, ट्राई सीएसएस एक्स इमेजेस राउंड। इसमें पानी ला देना बॉटल में, राजा पानी ला देना। तो यहाँ ही इस पूरे पार्ट को करेंगे रिमूव और ये जो हम लोगों ने बॉर्डर रेडियस यहाँ डिफाइन किया है इसको यहाँ पर कॉल कर लीजिए, उसका नेम दीजिए राउंडेड इमेज। यहाँ लिखिए यूज द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी टू क्रिएट राउंडेड। आईएमजी एसआरसी और यहाँ पर देखिए कौन कौन से इमेज हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि ये हमारे पास इमेज है आईएमजी 5 ट्री, हम इसका नेम लेंगे और हम इसको लाके यहाँ पर कॉल कर लेंगे। ठीक है, और इसकी जो भी विड्थ और हाइट है वो आप पता लगा लेंगे वेब ब्राउजर से। कितना इसका विड्थ हाइट 600 400। यहाँ लिखिए ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं एक राउंडनेस आपको दिखाई दे रहा है बॉर्डर के अंदर। तो इस तरह से हमारा बॉर्डर जो होगा वो राउंड हो गया, आपको मतलब इमेज का जो बेसिकली राउंडनेस सब आपको दिखाई देगा। हम यहाँ बॉर्डर की बात नहीं कर रहे, बॉर्डर रेडियस किसी पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, इसके लिए बॉर्डर की जरूरत नहीं होती है, बट प्रॉपर्टी यही चलती है। ठीक है, रेडियस के लिए इसी तरह से अगर आपको कंप्लीट इसको सर्कल में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से इस एग्जाम्पल को करेंगे कॉपी
मैं वो तो चेंज करना था, इसका नेम कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाके कॉल करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल कॉपी, यहाँ पर कॉल करेंगे और नीचे का जितना ही पार्ट हम लोगों ने डिफाइन किया उसको रिमूव। दूसरी प्रॉपर्टी है सर्कल इमेज, सर्कल्ड इमेज, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बॉर्डर रेडियस जैसे कि 50%। HTML दोबारा आ गया, लिंक काम नहीं करेगा, ध्यान रखिए इसका। तो इस फाइल को आप सेव एज कर लेंगे और इसको आप नेम दे देंगे सर्कल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 50%, यहाँ पे लिखेंगे आप सर्कल्ड इमेज। यूज द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी टू क्रिएट सर्कल्ड इमेजेस। ये सबको जैसे छोड़ देंगे और यहाँ से इस फाइल को अपन राइट क्लिक एंड ओपन विद। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमें एक चीज़ और चेंज कर देना है, 3, 4, 5, 6, अदरवाइज नहीं तो हाइट बहुत ज़्यादा आएगी। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये अपने इस तरह से बन गया। तो ये देखो बॉर्डर राउंड, और इस वाले में हमने फाइल का नेम चेंज नहीं किया, इसको क्या कर देंगे सर्कल। क्लोज करिए, रिलॉन्च कीजिए फाइल, दिखाई दे रहे। तो इमेज क्या है ना, परफेक्ट सर्कल ना होके ओवल बन जा रही है। अभी ओवल क्यों हो रहा है, अगर इमेज 1:1 होती तो प्रॉब्लम नहीं आती, लाइक 100x100। या यहाँ पर इमेज का डायमेंशन क्या हो रहा है, 600x400, यानी कि विड्थ ज़्यादा है हाइट कम है, दैट्स व्हाई ये सर्कल प्रॉपर ना होकर ओवल बन गई। बट अगर मैं अपनी इमेज की विड्थ को उस तरह से डिफाइन कर दूँ तो ये सही तरीके से बन के आएगी। तो ध्यान रखना सर्कल करने के लिए 1:1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ देखें इस तरह का, अगर हमें इमेज मिल जाता है 1:1 रेशियो में, जैसे पूरा 1:1 है बट ये ट्रांसपेरेंट है, अब जैसे हमें इमेज में थंबनेल क्रिएट करना है तो यहाँ से पूरा एग्जांपल कॉपी, यहाँ लिखेंगे HR H2 थंबनेल इमेजेस। सो यूज द बॉर्डर प्रॉपर्टी टू क्रिएट थंबनेल इमेजेस। तो यहां जाइए थंबनेल बनाने के लिए, बॉर्डर लाइक 1 पिक्सल, कलर लाइटर शेड, बॉर्डर रेडियस लाइक 4 पिक्सल, पैडिंग अराउंड 5 पिक्सल, विड्थ अराउंड 150 पिक्सल। इस तरह से हमने एक प्रॉपर्टी को किया डिफाइन और यहाँ पर जाकर हम लोग लिख देंगे थंबनेल इमेज। थंबनेल इमेज इसको कॉपी कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, फाइल को सेव कीजिएगा और इसको नेम दे दीजिएगा यहाँ पर थंबनेल। अपना जो प्रॉपर्टी आपने लिखा था उसको यहाँ पर लाके पेस्ट, यहाँ पर लिखेंगे थंबनेल इमेज। यूज द बॉर्डर प्रॉपर्टी टू क्रिएट थंबनेल इमेजेस। डिफाइन कर लें यहाँ से, इसका हम लोग लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पर रिप्लेस। ब्राउजर में आइए, रीलोड करेंगे यहाँ पर और इसमें 2 लाइन की हाइट बढ़ा दीजिए,
दिखाई दे रहा है, पर एक थंबनेल का इमेज के अराउंड गैप और गैप के बाद में इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी हाइट जो है वो गड़बड़ हो रही है, तो इसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमने हाइट जो है वो डिफाइन करके डाला हुआ है इसमें। जब हम लोग सी एस एस लगाते हैं तो ये हाइट नहीं लिखते हम लोग यहाँ पर, ये पार्ट आप हटा देंगे। अब देखो प्रोपोर्शनेट वगैरह सही से इस तरह से। नेक्स्ट इसी पार्ट को हम लोग कॉपी करेंगे H3 से लेके एग्जांपल तक, और इसको अगेन यहाँ पर पास करेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पर एग्जांपल बना लेंगे थंबनेल के बाद, थंबनेल इमेज एज लिंक, हमें एज ए लिंक इसको इस्तेमाल करना है। तो आपका IMGSRC की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एज इट इज रह जाएंगी। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, sudo, sudo क्या होगा IMG over। हम चाहते हैं कि इसमें एक बॉक्स शैडो अप्लाई हो जाए, बॉक्स शैडो 0x में 0y में 2 पिक्सल का ब्लर, 1 पिक्सल का स्प्रेड, RGBA 0, 140, 186, 0.5। इस तरह से हमने होवर के ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज में डिफाइन कर दिया। अब आप यहां से कितनी लाइन बढ़ गई, 1, 2, 3, 4 और यहां से आपने अपने एग्जांपल को सेव एज कर लेना है और उसका आप नेम देंगे थंबनेल अंडरस्कोर लिंक। इसको आप यहां लाके कनेक्ट करेंगे, इस प्रॉपर्टी को आपने यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ लाके अपने कॉल करना है इसको। यहाँ पर लिखेंगे थंबनेल इमेज एज लिंक, यूज द बॉर्डर प्रॉपर्टी टू क्रिएट थंबनेल इमेजेस, रैप एन एंकर around the image to use it as a link, hover over the image and click on it to see the effect। तो यहां से लिखेंगे AHREF और यहाँ पर हम चाहते हैं कि इमेज अपनी ओपन हो जाए, इमेज स्लैश टारगेट एक ब्लैंक में खुले और यहाँ पर हम लोग इसके अंदर इस इमेज को रख देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से आइए और इस फाइल को हम लोग करेंगे यहाँ पर रीलोड, क्लिक हियर दे रहे कुछ माउस ओवर पर एक पीछे शैडो और क्लिक पर इमेज ओपन। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक अपना रिस्पॉन्सिव इमेज। Images will automatically adjust to fit the size of the screen, resize the browser to
AMG, वैसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस बारे में, मैक्स विर्थ की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, मैक्स विर्थ 100% हाइट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमने करना है, इसको सेवेज करेंगे और यहाँ आके आप इसका नेम डिफाइन कर देंगे, इमेजेस रिस्पॉन्सिव, मैक्स विड्थ 100% एंड हाइट इज डिफाइन करने कितनी थी 600, हाइट कितनी थी 400, यानी कि रिस्पॉन्सिव इमेज, इसके बारे में रिस्पॉन्सिव इमेज विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट size the browser to see the effect. तब हम लोग 600 पिक्सल से नीचे जाएंगे तो देखना इमेज अपना स्केल डाउन हो जाएगी. टॉपिक है सेंटर एनिमल्स. तो सेंटर एनिमेज सेट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन टू ऑटो इमेज होता है इन लाइन. अगर मैं मल्टीपल इमेज रखता हूँ तो एक ही लाइन में आती है, तो डिस्प्ले ब्लॉक लिख देंगे, मार्जिन ऑटो लगा देंगे डिव की तरह, तो ये भी सेंटर में आएगा. चलिए तो ट्राई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक एंड मार्जिन करिए और इसको नेम दीजिए यहां पर इमेजेस सेंटर. ट्राई CSS अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर इमेजेस अंडरस्कोर यहाँ पर कॉल करो, ये हमारा लिंक हो गया. इसके बाद आपने ये प्रॉपर्टी यहाँ से कॉपी करनी है लिखेंगे सेंटर एन इमेज. तो सेंटर एन इमेज switch to web browser, close, reload and click here. तो कहाँ गया मेरे द्वारा सेंटर में, हमने क्या लिखा डिस्प्ले ब्लॉक मार्ज
ऑटो, तो इमेज होता है इनलाइन, तो उसको ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तभी आपका बेसिकली वर्क करता है। नेक्स्ट हमें कुछ पोलराइड इमेज अगर बनाने हैं, लाइक कार्ड की तरह कुछ एलिवेशन वगैरह अगर इसमें आप डालना चाह रहे हो तो वो भी पॉसिबल है। अगेन यहाँ से कॉपी पेस्ट, कंटेनर POLAROID पोलराइड, और इसकी विड्थ हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे लाइट 80%। बैकग्राउंड कलर लाइक व्हाइट, बॉक्स शैडो एक्स में 0, वाई में 4 पिक्सल, ब्लर 8 पिक्सल, स्प्रेड 0, RGBA डिफाइन कर लेंगे 0.0.0.0.2, कॉमा फिर से शैडो डालेंगे 0 स्पेस 6 पिक्सल, 20 पिक्सल का स्प्रेड, सॉरी ब्लर, स्प्रेड 0, आर GBA 0.0.0.0.19, इस तरह से हमने अपने ब्लर डिफाइन किया। इसके बाद इमेज, इमेज के अंदर हम लोग विड्थ अपना यहाँ पर रख देते हैं लाइक 100%, और एक बना लेंगे अपना यहाँ पर डिप डॉट कंटेनर टेक्स्ट लाइन सेंटर पैडिंग टॉप बॉटम से 10 और लेफ्ट राइट से 20। कोड कॉपी करिए, फाइल को सेव एज़ कर लीजिएगा, और यहाँ पर जाके अपने इसको नेम दे देना है इमेजेस कार्ड, यहाँ लाइए, अपने कोड को पेस्ट कीजिए, लिखिए बॉडी, बॉडी में हम जाके लिख देते हैं मार्जिन, मार्जिन हम चाहते हैं 25 पिक्सल चारों तरफ से हो, चलिए तो हमारे पास रेस्पॉन्सिव images slash cards। चलिए बनाते हैं, यहाँ पर इमेज टैग एज इट इज ले लो, इन सबको हटाइए, डॉट पोलराइड एंटर इमेज एंटर कंटेनर पैराग्राफ यहाँ पर कोई बना दो इमेज वन, ऐसे से कोई दूसरी बनाना चाह रहे हो इमेज टू, क्लिक करिए यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, ये वाला पार्ट हमारा बनके तैयार हुआ है।
तो हमारी इमेज स्ट्रेच हो रही है, ऐसा क्यों है? तो हमने लिखा है पर पोलराइड की जो विड्थ है वो 80% होनी चाहिए, जिसके हिसाब की जो इमेज है वो यहाँ पर स्ट्रेच हो रही है। तो विड्थ मत डालो, विड्थ को ऑटो रहने दो, तब भी हमारा ये 80% स्क्रीन का स्ट्रेच हो रहा है। गलत जगह चेंज किया ना, यहाँ चेंज करना है। और हमने इमेज को डाल के 100%, तो इमेज का 100% हटा दो, तो अपना भी कंटेनर के हिसाब से लेगा। और अब इसको विड्थ दे दो, विड्थ कितनी है कार्ड की? 600। प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। रही बात इन दोनों के बीच में गैप वगैरह बनाने की, फिलहाल आप यहां पर एक बीआर लगा सकते हैं, तो दोनों के बीच में एक गैप भी क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह का एलिवेटेड अगर आपको कुछ बनाना है तो इजीली अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इमेज में अगर ट्रांसपेरेंसी वगैरह ऐड करना है उसके लिए, ट्रांसपेरेंट इमेज, द ओपेसिटी प्रॉपर्टी कैन टेक अ वैल्यू फ्रॉम 0.0 टू 1.2, द लोअर वैल्यू मोर ट्रांसपेरेंट। तो यहां पर आप लिखेंगे IMG ओपेसिटी 0.5, यानी कि 50% हमने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया इस तरह से। यहां जाइए, इसका नेम चेंज करिए, ओपेसिटी। ट्रांसपेरेंसी दी ओपेसिटी प्रॉपर्टी कैन, दी ओपेसिटी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज the transparency of an element, the lower the value the more transparent।
50% opacity. तो चलिए ये इमेज हमारा जो है वो 50% फेड आना चाहिए. आते हैं आपके फिल्टर्स. नहीं यहां पर डिफाइन करेंगे HR H2 इमेज फिल्टर्स. द CSS फिल्टर प्रॉपर्टी adds visual effects like blur and saturation. Filter property is not supported in Internet Explorer or Edge 12.2. करेंगे एग्जाम्पल. यहां लिखेंगे फिल्टर. तो फिल्टर में आपको जैसे हमें ग्रे स्केल करना है, हमने ऐसे चूज किया ग्रे स्केल कितना करना है 100%. यहाँ जाइए, फाइल को सेव एज कर लीजिए और यहाँ पर जाके आप इसको फिल्टर के नाम से सेव कर लोगे. इसको हम लोग नेम देंगे इमेजेस अंडरस्कोर फिल्टर्स. इसको नेम दो इमेज फिल्टर्स. यहां लिखिए बॉडी बैकग्राउंड कलर व्हाइट, इमेज की विड्थ हम लोग यहां पर कर देंगे लाइक 33%. Height is auto, float left, max width 235 pixel. अब आप यहां से अलग अलग फिल्टर्स प्लान कर सकते हो. CSS filter adds and visual effects. नहीं, one डाल लेते हैं.
बना लो, डॉट ब्लर फिल्टर, यहाँ लिखिए ब्लर, कितना करना है 4 पिक्सल का हमें ब्लर अप्लाई करना है। और यहाँ पर लिखिए क्लास ब्लर, चेंज नहीं किया है। शैडो के नाम से आपको मिल जाए, ड्रॉप शैडो ही नाम है इसका, तो ड्रॉप शैडो ले लो। हमने डाल दिया जैसे कि 8 पिक्सल 8 पिक्सल 10 पिक्सल और ग्रीन कलर का बनाना है जैसे शैडो, तो उसका आप नेम दे देंगे जैसे कि शैडो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ग्रे स्केल में 100%, इसके बाद क्या है ह्यू रोटेट डाल देते हैं 180 डिग्री। सैचुरेट की वैल्यू हम लोग कर देते हैं जैसे कि 7, पहला ब्लर हो गया, दूसरा क्या है ब्राइटनेस, तीसरा क्या है कंट्रास्ट, फोर्थ
सारे इफेक्ट। तो आप इस तरह से इमेज पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। H3 एग्जाम्पल पैराग्राफ फेड इन टेक्स्ट, तो इसको ट्राई करेंगे कि ये किस तरह से बेसिकली क्रिएट होगा। तो कॉपी करिए, पेस्ट, और इस फाइल को लो सेव एज कर लेंगे, और इसको हम लोग नेम डिफाइन करनी है यहाँ पर, ट्राई सीएसएस अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर ओवरले अंडरस्कोर फेड। कंटेनर जिसका पोजीशन रिलेटिव रख लेंगे और विड्थ 50%। एक इमेज की क्लास बना लेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ 100%, हाइट ऑटो। फिर बना लेंगे डॉट ओवरले, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 0, बॉटम से 0, लेफ्ट से 0 और राइट से भी 0 कर दो। हाइट 100%, विड्थ 100%, opacity 0, transition 0.5 second with ease effect, background color hash 008CBA। ये हो गया हमारा ओवरले। अब हम लोग जब कंटेनर को ओवरले करेंगे, कंटेनर होवर, तो जो हमारी ओवरले वाली क्लास है उसका ओपेसिटी क्या हो जाए 1, अभी क्या है 0। ओवरले का ओपेसिटी कितना है पर 0, तो माउस ओवर पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर एक टेक्स्ट के लिए बना लेंगे, कलर वाइट, फॉन्ट साइज लाइक 20 पिक्सल, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, -50% कॉमा -50%, दूसरे ब्राउजर में डाल दो, एमएस ट्रांसफॉर्म सेम प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट, ताकि सभी ब्राउजर पे सही से काम करें। इसके बाद आपने नीचे यहाँ पर जाकर डिफाइन करना है H2 फेड इन ओवरले, यहाँ
पर बनाएंगे आप डॉट कंटेनर, यहाँ पर आप एक आईएमजी ले लेंगे, आईएमजी एसआरसी इमेजेस स्लैश फाइव ट्री, और उसके लिए हमने एक क्लास बनाई है अपनी इमेज के नाम से। फिर एक ओवरले के नाम से हमने डिप बनाया हुआ है, एंटर करेंगे और यहाँ पर जाके आप कुछ टेक्स्ट लिख देंगे। चलिए एग्जांपल को सेव करेंगे, स्विच टू वेब ब्राउजर, इसको करेंगे क्लोज, रीलोड करेंगे यहाँ पर और कई बार देखते हो कुछ इस तरह के हमारे कार्ड होते हैं बने हुए, तो इस तरह से कुछ अपना बना सकते हैं। तो कई बार क्या होता है हमें यहाँ पर बटन वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होती है, हमें कुछ ऐसा चाहिए तो वो भी आप बना सकते हो। तो ये तुम्हारा फेड इन टेक्स्ट। दूसरे लोग बनाते हैं फेड इन ओवरले या फेड इन, इसको कर दो बॉक्स कर दो, फेड इन अ बॉक्स। यहाँ जाइए, फाइल को सेव एज कर लीजिएगा और उसको से डिफाइन कर देंगे इमेज ओवरले ओपेसिटी। इसको कॉपी करके आप यहां पास कर देंगे, यहां जाइए इमेज, इमेज की हम लोग यहां पर लिखेंगे ओपेसिटी वन, डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ 100%, हाइट ऑटो, ट्रांजिशन यहाँ लिख देते हैं 0.5 सेकेंड्स, ईज और यहाँ पे लिखेंगे बैक फेस BACKF, बैक फेस विजिबिलिटी हिडन। इसके बाद आपने क्लास बनानी है यहाँ पर मिडिल के नाम से, इसमें ट्रांजिशन डालिए, ईज इफेक्ट ऑपेसिटी 0 रहेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगा, टॉप से 50%, ये हमने सब यहां लिख के डाला हुआ है। कंटेनर को जब लोग माउस ओवर करेंगे तो इमेज की जो ऑपेसिटी है वो 0.3, कंटेनर को जब लोग ओवर करेंगे तो जो मिडिल के नाम से हमने बनाया है उसकी ऑपेसिटी 1 हो जाएगी। टेक्स्ट चाहिए, बैकग्राउंड कलर यहां जाके कुछ भी अपना डिफाइन कर दो, कलर ब्लैक हो जाए, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल समथिंग हो जाए और पैडिंग टॉप बॉटम से 16 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 32 पिक्सल हो जाए। अब यहां जाइए फेड इन अ बॉक्स, कंटेनर एज इट इज रहेगा, इमेज एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे मिडिल और यहाँ पर जाके आप लिख देंगे जैसे कि रीड मोर। फाइल को ब्राउजर में लेकर आइए, रिफ्रेश कीजिए, क्लिक कीजिए तो हमारा ये देख रहे हो बटन आ रहा है, तो ये सेंटर पे आना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी चेक करो कहाँ गड़बड़ है, कंटेनर कंटेनर हमने क्या दिया है, इमेज की प्रॉपर्टी मिडिल, तुमने लिखा है पर डिव क्लास मिडिल और टेक्स्ट।
कैपेसिटी पोजीशन, हाँ तो टॉप से 50% डालना भूल गया, टॉप 50 एंड लेफ्ट 50। अब कहाँ रहे, बिल्कुल मिडल में इस तरह से। तो चाहो तो आप उसको एक बटन बना सकते हो, मैंने नॉर्मल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका माउस ओवर पर इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह से हम चाहते हैं कुछ स्लाइड का इफेक्ट हो इसमें, तो फिर से एक ऑप्शन यहाँ से एग्जांपल बनाएंगे और इसको हम लोग नेम देंगे स्लाइड इन फ्रॉम टॉप। ओपन करिए, सेव कर लीजिए इसको। इसको एक नेम दे दो, इमेज ओवरले स्लाइड टॉप, पोजीशन रिलेटिव 50%, इमेज में डिस्प्ले ब्लॉक, ओवरले हमने ऑलरेडी एग्जांपल अपने यहां पर क्रिएट किया था, ओवरले की क्लास हम लोग कॉपी करेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 100%, लेफ्ट से 0, राइट से 0, टॉप की वैल्यू को हटा दीजिए। बैकग्राउंड कलर जो भी आप यहाँ रखना चाहें वो अपना डिफाइन रखिएगा नीचे, और बॉटम लेफ्ट राइट हाइट, हाइट को हमें 0 रखना है, हाइट 0, विड्थ 100%, ट्रांजिशन 0.5 विद ईज, ये हो गया। और हमें एक प्रॉपर्टी और चाहिए होगी ओवरफ्लो के नाम से, हेडर वर्थ सिटी का, इसमें कोई काम नहीं, इसको हटा दीजिए। एंड ट्रांजिशन नेक्स्ट, जब कंटेनर हम लोग ओवर करेंगे तो ओवरले ओवरले में आप लिखेंगे बॉटम 0 एंड हाइट 100, टेक्स्ट यहां लिख दीजिए वाइट स्पेस नो रैप, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, पोजीशन एब्सोल्यूट ओवरफ्लो हिडन, टॉप से 50%। ये प्रॉपर्टी आपको यहां मिल जाएगी, इसको कॉपी कर लेना। तो ये पार्ट आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां लिखिए स्लाइड इन ओवरले फ्रॉम द टॉप, तो कंटेनर, कंटेनर के अंदर इमेज, इमेज के अंदर ओवरले, ओवरले के अंदर टेक्स्ट, स्विच टू वेब ब्राउजर, ओपन योर एग्जाम्पल, हमने फाइल का नेम मैच
मैच नहीं किया है, इसको करेंगे कॉपी। रीलोड अगेन, क्लिक हियर, दिखाई दे रहा है इस तरह से माउस जाते ही ऊपर से निकल गया है। तो ऐसे अपने इसके अलग अलग डायरेक्शन बना सकते हो कि भाई मेरे को बॉटम से निकालना है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्लाइड इन फ्रॉम बॉटम और स्लाइड इसको नेम दीजिएगा बॉटम। इसके बाद इस फाइल को आपने जहाँ टॉप है उसको क्या कर देना है, बॉटम के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ हमने ये प्रॉपर्टी डिफाइन की अपनी ओवरले, इसमें आपने चेंज करना है। तो बॉटम हमने अभी क्या लिखा था 100%, यहाँ पर आप क्या कर देंगे बॉटम को 0, बॉटम 0, लेफ्ट 0, राइट 0, बैकग्राउंड कलर ओवरफ्लो विथ 100% और हाइट 0। अब की बार जो हमारी यहाँ पर हाइट है वो आपने 100 रख लेनी है और बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम ही रहेंगी। इसके अंदर ये हमारा हो गया स्लाइड बॉटम। स्विच टू योर वेब ब्राउजर, रिफ्रेश, क्लिक हियर, तो देखिए नीचे से ऊपर जाता बन गया। पहले वाले एग्जांपल में ऊपर से नीचे आते हुए ये, इसी तरह से हम लोग दाएं बाएं यानी कि लेफ्ट राइट से भी बना सकते हैं अपना। यहाँ जाइएगा, पेस्ट स्लाइड इन फ्रॉम लेफ्ट, इसको हम लोग नेम दे देंगे लेफ्ट, और ये हो जाएगा अपना राइट। स्लाइड राइट, यहाँ जाइए, इसको हम लोग नेम दे देंगे स्लाइड लेफ्ट। चलिए तो स्लाइड लेफ्ट अगर आप करना चाह रहे हैं तो जहाँ हमारी ओवरले वाली प्रॉपर्टी है बॉटम लेफ्ट राइट, जहाँ हमने विड्थ लिखा है 100%, इसको आपने कर देना है 0, हाइट को आप लिख देंगे 100%, और अब की बार आपने विड्थ को 100% करना है। और ब्राउज़र में जाइए, रिफ्रेश कीजिएगा लेफ्ट वाले एग्जांपल को, बन गया। इसी तरह से मुझे राइट वाला एग्जांपल बनाना है, तो इसको नेम देंगे स्लाइड राइट। तो राइट वाले में आपने राइट वाली प्रॉपर्टीज है अपनी वो चेंज कर लेनी है। तो हमने लिखा है बॉटम तो लेफ्ट से आपने रखना है 100%, राइट से 0, हाइट 100%, बस ठीक है। तो विड्थ आपकी 100% रहेगी, कहाँ से करनी है लेफ्ट से 0। ठीक है, इस तरह से। तो हमारा अब चारों डायरेक्शन हम लोग करना सीख गए। इसी तरह से इमेज में अगर आप चाहते हैं कि कुछ फ्लिप वगैरह की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी, यहाँ तक लिखें फ्लिप एन इमेज, जब यूजर होवर करेगा तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे लिखेंगे स्केल एक्स नेगेटिव 1, तो ये फ्लिप हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल सही है। तो यहाँ जाइए, फाइल को सेव कीजिएगा और इसको आपने एक नेम दे देना है इमेज अंडरस्कोर फ्लिप।
कॉपी करेंगे वाली प्रॉपर्टी। तो ये फ्लिप कर जाएगा इस तरह से। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, ये हमारी इमेज की जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट है।